पैक या फिर डस्ट मैट वगैरह कुछ भी करा सकते हो। और पूरी ये ग्रिल नहीं चेंज होती है, ये नीचे आप देख रहे हो ये थार बड़ा बड़ा सा रखा है, ये पूरी फेंडर चेंज है, पूरी फेंडर चेंज करवा सकते हो। इस तरह से डालनी पड़ती है गाड़ी यहाँ पे, इस तरह से जैसे कि आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई पड़ता है इस तरह से। MID 21,000 फिलहाल तो गाड़ी चल चुकी है। जो ओनर है भाई मॉडिफिकेशन इंथुसियास्ट है, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन में फर्क दिख पाता है आपको, और उनमें जो है वो हाथ बहुत टाइट है क्योंकि पूरी ग्रिल के साथ ये पूरा आगे का लुक चेंज उन्होंने करा लिया, और पूरे जो है वो हार्ड टॉप निकल के वो पूरी जो जीप जैसी कराना चाहते हैं, मतलब ओपन थार कराना चाहते हैं भाई। देख लो अब एक एक करके इसके जो है फीचर गिनवा देता हूं। व्हाइट बल्ब के साथ आती है, और व्हाइट बल्ब हाई बीम और लो बीम 19.12 वोल्ट के आपको जो बीम दिखाई पड़ती है, और ये पूरी की पूरी जो है वो आपको LED राउंडेड शेप की डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है सबसे पहले। हेलो भाई मैं ओमकार। अब ये जो भाई सामने जो ग्रिल देख ले और ये रेड कलर की जो इंसर्ट देख रहे हो ना, अभी ये जो है वो सबसे ज्यादा, मैं अभी इसको देखो पहले इस ग्रिल को, इसको बोला जाता है गोरिल्ला ग्लास जो है वो ग्लॉसी फिनिशिंग ग्रिल। इसकी कीमत है रमसम 35,000 रुपये जो है वो आफ्टर मार्केट डलवा सकते हो, और जैसी चाहिए थार एक ऐसी गाड़ी है जिसको कैसे भी मॉडिफिकेशन करा सकते हो। इसमें 6-way एडजस्टेबल जो है वो 6-way मॉडिफिकेशन करा सकते हो, चाहे टायर हो, चाहे चैसी हो, चाहे ऑन बॉडी ऑन फ्रेम हो, कैसे भी करा सकते हो। अभी ये जो थार है उसको गौर से देख लेना। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि जो ओनर जो थार रखते हैं भाई साहब, ये पूरे के पूरे जो है वो ऑफ रोडर, मतलब जो ऑफ रोड इंथुसियास्ट बोलते हैं ना वो है। अब ये सामने आप देख रहे हो महिंद्रा थार मैनुअल ट्रांसमिशन HT हार्ड टॉप टॉप एंड वेरिएंट, उसके ऊपर एक जो है वो ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्स आता है 80 गियरबॉक्स, उसके ऊपर भाई कुछ भी नहीं आता, एक ही वेरिएंट है उसमें ऑटोमेटिक। ये मैनुअल ट्रांसमिशन 4x4 देख रहे हो। अब इस गाड़ी को गौर से देख लो, पूरा क्लियर देख लो, ये जो ग्रिल देख रहे हो उसमें रेड इंसर्ट लगाए गए, यानी कि ये जो है वो पूरा डैशिंग लुक आपको दिख पाता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस कर सकते हो, 6-way चेंजेस कर सकते हो, पूरा गोरिल्ला ग्लास आपको यहाँ पे लगवा सकते हो। ये जो है वाइट लाइट्स LED टाइम रनिंग लाइट्स है, ये पूरी ग्रिल चेंज करवा के इसमें पियानो ब्लैक या फिर डस्ट मैट वगैरह कुछ भी करा सकते हो। और पूरी ये ग्रिल नहीं चेंज होती है, ये नीचे आप देख रहे हो ये थार बड़ा बड़ा सा रखा है, ये पूरी फेंडर चेंज है, पूरी फेंडर चेंज करवा सकते हो। और ये टायर देख लो, 18 इंच के टायर डलवाए हुए हैं भाई, पूरे मड टेरेन टायर, एम्प्टी टेरेन, यहाँ पे ऑल टेरेन लिखा है फिलहाल इसमें मड टेरेन में, यहाँ पे ऐसे जो है वो बाहर जो है वो निकल के आता है। अब सामने जो गाड़ी देख रहे हो उसकी जो है वो वैल्यू इतनी है कि भाई इसमें ये लेने वाले बंदे भाई जिमनी विमनी ये गाड़ी है भाई, कहाँ पे 86 BHP और कहाँ पे जो 130 BHP, बहुत फ़र्क है। 300 Nm का पीक टॉक छोड़ लेता है ये, मैनुअल में जो है 300 और ऑटोमेटिक में 320 Nm का पीक टॉक छोड़ लेती है गाड़ी। अभी मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हो। अब जो ओनर है वो क्या क्यों ये गाड़ी ऑन करता है मैं बताता हूँ, क्योंकि उनको ये पूरी जो है वो ग्रिल चेंज करानी थी, जो रिव्यू भी आपको उसको 6-way तरह से मॉडिफिकेशन करा सकते हो। और जो ओनर है भाई मॉडिफिकेशन इंथुसियास्ट है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन में फ़र्क दिख पाता है आपको, और उनमें जो है वो हाथ बहुत टाइट है क्योंकि पूरी ग्रिल के साथ ये पूरा आगे का लुक चेंज उन्होंने करा लिया, और पूरे जो है वो हार्ड टॉप निकल के वो पूरी जो जीप जैसी कराना चाहते हैं, मतलब ओपन थार कराना चाहते हैं भाई। देख लो अब एक एक करके इसके जो है फीचर गिनवा देता हूँ जो गाड़ी आपको मॉडिफिकेशन के लिए लायक बना देती है। सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक में ये जो है हैलोजन ग्रिल आता है, जो पूरे यहाँ पे आपके मैं बताता हूँ, यहाँ पे अंदर ये जो है वो लैम्प जलाने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या है इसमें फ़र्क। ये देख लो, ये लाइट मैंने जला दी, ये देख रहे हो आप, ये देख लो व्हाइट गोरिल्ला लैम्प, मतलब हाई बीम और लो बीम पूरे के पूरे प्रोजेक्टर LED है, अच्छी खासी मैट्रिक्स लाइट है वो, मतलब जो है वो गोरिल्ला ग्लास उसको कहा जाता है, गोरिल्ला HD LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, वो मतलब जो गोरिल्ला जैसी आँखें इंस्पायर्ड, मतलब क्या उजाला है देख लो। और पूरी ग्रिल चेंज है, ये पूरी 1-way मॉडिफिकेशन करा रखी है फ्रंट में, ये अच्छी खासी दिख पाती है। इसमें जो है वो आप में स्नाइपर वाइपर लगा सकते हो, ऊपर स्नॉर्गिल वुलगिल लगा सकते हो, कैसे चाहे वैसे जो है वो मॉडिफिकेशन करा सकते हो। यहाँ पे टोइंग हुक वगैरह सब की सब चीज़ें आती है, बहुत भी उसमें भी बताऊँगा क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन सबसे पहले भाई ये व्यू देख लो, और ये इतनी बैटरी भी नहीं खाती, ये इतनी अच्छी लाइट है उसके जो है पीछे से देख के चलता हूँ, कितनी एग्रेसिव डैशिंग है, ऐसा लग रहा है गाड़ी देख रही है, एकदम एग्रेसिव दिखाई पड़ती है इस ग्रिल के साथ। ये पूरा का पूरा गीस 35,000 तक आ जाता है, 37,000 इसकी कॉन रोड मतलब जो है वो ऑन मार्केट जो है वो प्राइस चालू है। अब एक एक करके इसके फीचर गिनवा देता हूँ। पहले सबसे पहले ये देख लो, LED डे टाइम रनिंग लाइट विथ जो है वो पूरे के पूरे व्हाइट बल्ब के साथ आती है, और व्हाइट बल्ब हाई बीम और लो बीम 19.12 वोल्ट के आपको जो बीम दिखाई पड़ती है, और ये पूरी की पूरी जो है वो आपको LED राउंडेड शेप की डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है। सबसे पहले अब आगे से आते हैं, पहले लाइट बंद कर लेता हूं मैं।
सबसे पहले सामने देख रहे हो ये जो है रेड कलर का इंसर्ट जो कि उन्होंने पूरा चेंज करवाया हुआ है। यहाँ पे व्हाइट लाइट्स आपको मिल जाती है। थार बड़ा बड़ा सा लिखा है जो कि ये जो है वो स्टॉक नहीं है, उसके ऊपर जो है वो आफ्टर मार्केट डलवाया हुआ है। स्टॉक जो यहाँ पे आता है ये पूरा चेंज नहीं आता है, सिर्फ राउंडेड आता है। यहाँ पे नीचे बात करते हैं तो पूरा आइस क्यूब जो है वो व्हाइट प्रोजेक्टर लाइट्स लगाए गए, अच्छा खासा थ्रो है इफेक्ट। ये पूरे गोरिल्ला ग्लास इस दोनों के दोनों आपको आफ्टर मार्केट डलवाए गए। क्रीजस मिलते हैं। ये इंजन है 2. जो है वो 2 लीटर का एमहॉग डीजल इंजन जो कि अराउंड 130 BHP जनरेट करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, 135 BHP जनरेट कर लेता है जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, 300 Nm का पीक टॉक छोड़ लेता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, 4x4 में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी आता है उसमें करीबन 140 मतलब जो है वो 145 BHP मिल जाती है ऐसे आराम के साथ, 280 Nm का पीक टॉक मिल जाता है। ये अंदर भी बात कराऊंगा मैं क्या क्या चेंजेस है, लेकिन सबसे बढ़िया बात जो है मुझे ओनर की लगी, जो आगे वाला ग्रिल जो है वो पूरा चेंज कर लिया है, वो अच्छा खासा दिखाई पड़ जाता है। सबसे पहले आप नीचे आपको देखने को ये जो है वो आपको ग्रिल मिल जाता है, अच्छा खासा फाइबर एस्टिक है, लेकिन ये थोड़ी लग चुकी है तो यहाँ पे थोड़ा लूज दिखाई पड़ता है। 175 mm का आपको स्पेस मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। ऑल टेरेन टायर आपको वंडर के आते हैं, ये जो है अराउंड 255, 65 और 18 18 इंच के ओनर ने अलग से डलवाए हुए, इतने बड़े नहीं आते, 17 इंच तक आ जाते हैं, 20 इंच तक डलवा सकते हैं, लेकिन गाड़ी में बॉडी रोलिंग जो है वो मिल ही जाएगा आपको और प्रॉपर ऑफ रोडिंग है इसमें। यहाँ पे 4x4 आपको दिखाई पड़ती है बेजिंग। सबसे बड़ी बात थार आपको जगह जगह दिखाई पड़ता है, जहाँ पे क्रोम फिनिशिंग है अच्छी खासी, ग्रिप आपको अच्छी खासी दिखाई पड़ती है, फाइबर स्टिक मटेरियल है, एक बंदा आराम के साथ चढ़ सकता है। और सबसे बढ़िया बात बोलूँ ये जो अलॉय व्हील्स है 1220 mm के अंडर आपको ग्राउंड जो स्पेस मिल जाता है आपको व्हील बेस, दोनों के दोनों ABS EBD आते हैं। यहाँ पे ये जो है वो पीछे ड्रम ब्रेक्स आते हैं, लेकिन ABS और EBD ESP कंट्रोल आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। पीछे अगर बात करते हो तो थार बड़ा बड़ा सा पूरे टेल लाइट में लिखा है, व्हाइट लाइट्स आपको मिल जाती है पूरी, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स। यहाँ पे रिवर्स लाइट एक हैलोजन आती है, थार आपको लिखा है, और रात में बहुत काफ़ी ज़बरदस्त चमकती है जब आपकी पूरी डे टाइम रनिंग लाइट जलती है। नीचे अगर बात करते हो तो फाइबर एस्टिक मटेरियल ये वही स्टॉक है, दो आपको जे कंपनी फिटेड आपको पार्किंग सेंसर मैंडेटरी गवर्नमेंट आते हैं, 80 ऑल टेरेन वंडर के टायर, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है ऑल टेरेन में, लेकिन थोड़ी सी आपको बॉडी रोलिंग तो फील होगी इन जैसे टायर की, योकोहामा डलवाते तो इतनी बॉडी रोलिंग फील नहीं होती है मेरे ओपिनियन से अगर बोलते हो तो। 48 लीटर का डीजल का टैंक आता है, डीजल इंजन आप देख रहे हो, एमहॉक यहाँ पे बीजिंग आप देख सकते हो, पेट्रोल होता था एमस्टॉयल होता 1.5 लीटर का, 13O लिखा है। यहाँ पे जो है वो ये रेडियो एक्सेल डलवाए हुए है, ये चेंज है, पूरा चेंज मिलता है आपको। आगे आपको रूफ रेलिंग वगैरह कर सकते हो, ये जो है वो ओनर ने किया हुआ है, मतलब आप देख रहे हो ऊपर क्या ज़बरदस्त है यार, तो ऊपर का नज़ारा देख लो यार कितना ज़बरदस्त है, चारों के चारों पुलिस जो है वो बल्ब आते हैं ना वैसे के वैसे लगा के गए। ये जो है वो वाइजर आपको अच्छा खासा मिल जाता है महिंद्रा का, यहाँ पे कोई डोर गार्निश वगैरह नहीं आती थार में, ब्लैक में कैसे भी करा सकते हो, PPF हो रखी है फिलहाल गाड़ी, आप फील करवा सकते हो यहाँ पे, ये जो है पूरी PPF हो रखी है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, मतलब ओनर जो है वो काफ़ी इंथुसियास्ट है यार ऑफ रोडिंग के शौकीन है, और सबसे बड़ी बात मॉडिफिकेशन के बहुत ज़्यादा शौकीन है। आगे वाला ग्रिल चेंज होने के बाद चार चांद ही नज़र आते हैं यार, चार चांद लग गए इसको। हैलोजन की जो है वो ये फेंडर में लाइट आपको दे रखी है, टॉप एंड ले लो चाहे बेस ले लो, थार एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है तो इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करो तो ही बेटर है। पीछे अगर बात करते हो तो ये जो है वो पीछे ऐसा कुछ नज़ारा है, खोलते हो तो ऐसे इस तरह से कुछ बूट आता है, रस्सी वस्सी है, यहाँ पे जो है ग्रिल आता है, ये खोलते हो पूरा तभी ये खोल सकते हो, अच्छी खासी जो हाइड्रोलिक स्टर्स दो दे रखे, और यहाँ पे सीट्स आपको 60-40 मिल जाते हैं, बंद करते हो तो डिफॉगर आपको मिल जाता है, बंद करते हो तो ये टेरेन आपको टायर आते हैं। अंदर बात करते हो तो बड़े से आपको इसमें ओवरऑल इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिल जाते हैं, खोलते हो तो इस तरह से कुछ गाड़ी है, अंदर दो बॉटल होल्डर है लेकिन इतनी खास घटिया क्वालिटी लगी यार, प्लास्टिक की भी इतनी खास क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे जो है वो ये आपको जो है ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है, थार यहाँ पे बड़ा बड़ा सा लिखा है, ये दोनों के दोनों ये लॉक अनलॉक के बटन आपको मिल जाते हैं। अंदर बात करते हो जैसे चढ़ते हो तो चढ़ने के लिए गाड़ी फुटरेस्ट काफ़ी ऊंचा है तो अच्छा खासा फुटरेस्ट एक चाहिए 5-7 एवरेज इंडियन हाइट को, ऐसे पकड़ के यहाँ पे ग्रैब हैंडल कहीं नहीं आता, ऐसे सिंपल सा आपको बैठना पड़ता है, जैसे बैठते हो तो इस तरह से आप फील करा सकते हो गाड़ी की कितनी स्पेशियस गाड़ी है वो। जैसे अंदर चढ़ते हो या पूरे के पूरे ऐसे इवेंट्स आते हैं चारों के चारों, अंदर महिंद्रा का ब्रांड न्यू लोगो है क्योंकि 2030 पन्नी पैक व्हीकल आप देख रहे हो। यहाँ पे अगर बात करते हो ये प्लस माइनस के आपको बटन मिलते हैं, फाइल इंफोटेनमेंट सिस्टम के बटन मिलते हैं, ये स्पीकर आते हैं आपको दो, यहाँ पे कुछ ये ग्लो बॉक्स मिलता है, लेकिन जो छोटा मोटा काम चला हुआ है ग्रैब हैंडल है। अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ एसी बिंड्स के कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं, ये जो है आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर स्मार्ट हाइब्रिड के बटन वगैरह अगर मेरे ख्याल से बात करो तो यहाँ पे आता है, फाइल चेंज यहाँ से करवा सकते हो, ये प्लस माइनस आप कर सकते हो, टॉगल कर सकते हो, फाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो। एसी अभी फिलहाल चालू है, मैं एसी मतलब ये फैन बंद कर देता हूँ। इस तरह से कुछ बड़े से आपको ये एसी के बिंड्स आते हैं। विजिबिलिटी भाई थार में
जिमनी इसके एक चिट्टा भी परे नहीं है, मतलब इससे कंपेयर ही नहीं कर सकते जिमनी। अगर पावर के मामले में बात करते हो काफ़ी फीकी पड़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिमनी का ये वाला जो पोर्शन है वो इंस्पायर्ड थार से है थोड़ी, लेकिन थार थोड़ी बढ़िया है जिमनी से। ये दोनों के दोनों आपको सनवाइजर मिलता है, टिकट होल्डर एक मिल जाता है, हार्ड टॉप है, सॉफ्ट टॉप इससे पहले वाला है, L3 आता है यहाँ पे वेरिएंट। ये जो है वो अच्छी खासी बात है, सनवाइजर के साथ आपको एक मिरर और डेडिकेटेड दे दिए गए, दो ABS मतलब जो है वो ABS फ्रंट में आते हैं, ABD आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, ये लॉक अनलॉक यहाँ से करवा सकते हो, हजार लाइट्स की वार्निंग यहाँ से जलती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखाऊंगा मैं, की इनसाइड द व्हीकल की है, लेकिन कीलेस एंट्री नहीं मिलता, इससे पहले वाला वेरिएंट आपको दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे बात करते हो तो इस तरह से आपको यहाँ पे डोर ओपन के जो है वो इंडिकेशन की वार्निंग नज़र आती है, मतलब पूरे के पूरे डोर ओपन है इस तरह से दिखाई पड़ देती है। तो यहाँ पे बात करते हैं इस तरह से कोई नॉर्मल मैनुअल सी ये जो है की आती है लॉक अनलॉक की, चाहे टॉप एंड ले लो चाहे ऑटोमेटिक ले लो मैनुअल ले लो कोई सी भी वेरिएंट, यही सिमिलर की आपको सालों से चलती आई है, कोई भी चेंजेस आपको दिखाई नहीं पड़ते, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है यहाँ पे जो है हजार्डलेस की वार्निंग है, सिक्स गियर मैनुअल ट्रांसमिशन है, यहाँ पे इस तरह से टॉगल करके रिवर्स मार सकते हो, ये जो है वो दो आपको ये पावर विंडो के कंट्रोल आपको आता है, 2H 4H N और L, 4 लो में क्रॉल करके जाएगी गाड़ी, 4H में 4 हाई चारों के चारों पहियों में जान रहेगी, 2H में 2 पहियों में फ्रंट के जान रहेगी, इस तरह से कुछ आपको 4x4 का गियर एक डेडिकेटेड मिलता है, ये 4x4 व्हीकल है, प्रॉपर ऑफ रोडर है, यहाँ पे रिवर्स टॉगल करके मार सकते हैं, 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है, 7000 तक मार्किंग है डीजल इंजन की, 180 तक मार्किंग है, 8000 तक मार्किंग पेट्रोल होता तो M स्टाइलॉन आपको मिल जाती, यहाँ पे ये जो है वो क्रूज कंट्रोल के पैनल, वॉइस रिकॉग्निशन के बटन, प्लस माइनस करने के लिए बटन आपको मिल जाता है, ये आपको फोन कॉलिंग के बटन ये यहाँ पे मिल जाते हैं, SRC का बटन इमरजेंसी का मिलता है आपको चेंज करवाने के लिए यहाँ पे, लेकिन सॉक कॉल का बटन नहीं है, ये सिर्फ चेंज रेडियो वगैरह मीडिया के कंट्रोल चेंज करवाने के लिए बटन मिल जाता है, ये जो है वो आपको MIDs नॉर्मल से मिल जाते हैं, ये म्यूट का बटन मिल जाता है, बटन की क्वालिटी काफ़ी लूज है, इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी। LED टाइम रनिंग लाइट यहाँ से चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो, स्मार्ट हाइब्रिड मैंने बता दिया, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर है, पियानो ब्लैक से आपको गोरिल्ला ग्लास ये जो है वो आपको थोड़ी सी आपको गोल मोटोल सी AC की विंड्स आपको मिल जाते हैं, ये प्लस माइनस यहाँ पे चालू बंद कर सकते हो, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम 5.7 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाती है, ये फोन यहाँ पे होम के बटन, रेडियो के बटन, यहाँ पे ये जो पूरे के पूरे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, इस तरह से कुछ क्लियर है, कोई सी भी ले लो, XUV700 चाहे महिंद्रा की जो है वो थार ले लो, इस तरह से की आपको आती है, इस तरह से डालनी पड़ती है गाड़ी यहाँ पे, इस तरह से ऐसे क्या आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई पड़ता है, इस तरह से MIDs 21,000 फिलहाल तो गाड़ी चल चुकी है। अब अगेन जो है USB बन जाती है गाड़ी की, पीछे बताता हूँ मैं, पीछे आप एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ से ही जो है वो आपको ये कमांड पोजीशन में ऐसे ही चल के जाना होगा, यहाँ से जा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो उस साइड से। तो पीछे अगेन बात करते हो तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल आता है पीछे, ये पूरी सीट जो है वो आप बेंच फोल्डिंग कर सकते हो, यहाँ पे टॉगल कर सकते हो, जा सकते हो उस साइड से भी जा सकते हो, क्लीनर साइड से यहाँ पे अगर प्रेस करते हो ये बटन तो यहाँ से भी जा सकते हो ऐसे खींच के, तो अच्छा खासा एक्सेस कर सकते हो, ड्राइवर सीट से भी आगे करके जा सकते हो, ऐसा नहीं बात है, लेकिन ये 3-डोर थार है पूरी आपको पैक रहेगी, 2 बंदे हैं आराम के साथ जा सकते हैं, ठीक ठाक स्पेस है, ऐसा नहीं कि बड़ा स्पेस है, 80-90 किलोमीटर आराम के साथ बंदा जा सकता है, फ्लिप होती है पूरी 60-40 फ्लिप होती है सीट, 4,000 तक बूट मिलता है फ्लिप होते हैं तो, 4 स्पीकर आते हैं, स्पीकर की क्वालिटी बढ़िया है, 2 ट्विटर आते हैं, यहाँ पे व्हाइट लाइट्स नहीं, हैलोजन लाइट्स ही आती है, इस तरह से यहाँ पे ये जो सीट्स फोल्ड वगैरह हो जाती है, तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिखा है, यहाँ पे 175 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस स्पेस मिल जाता है, और इंजन की बात करें तो इस टाइप का इंजन जो है वो एमोग डीजल इंजन 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि अराउंड जो है वो अराउंड 130 BHP छोड़ लेता है और 350 Nm का मैनुअल ट्रांसमिशन में पीक टॉक छोड़ लेता है। कैसा लगा महिंद्रा थार कमेंट करके बताना, जो ओनर है वो ऑफ रोडर है, क्योंकि ये ग्रिल से पता चलता है काफ़ी चेंज आया हुआ है, चेंज कर गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे वीडियो में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।